नमस्कार, आप सभी लोगों का रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आखिर हम एंजल से कैसे मदद लें कि हमारी किस्मत बदल जाएगी। देखिए, ये मेरी एंजल है जो मेरी हमेशा मदद करती है। ये मेरी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ मुझे मिलती है जो मुझे किसी से प्राप्त नहीं होती। क्योंकि ये मेरी क्या है, ये मेरी सोलमेट है। ये मुझे वो ताकत देती है कि मेरे बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ही दूर में खत्म हो जाती है। मुझे पार्किंग नहीं मिलती, बहुत जरूरी मुझे काम के लिए जाना है, मुझे बस इनसे कहना है कि मेरा आप ध्यान रखिएगा, ये मेरे साथ चल देती है। क्या है ये, मेरा विश्वास है इन पर कि ये मुझे कभी भी हारने नहीं देंगी। जो चीजें मुझे इनसे प्राप्त होती है वो किसी से नहीं। कई बार लाइफ में सब ऐसा हुआ है कि मेरे एक्सीडेंट हुए हैं बड़े से बड़े, और वो एक्सीडेंट लोगों ने बोला क्या आप घर से संजीवनी पी के निकली थी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, खरोच भी नहीं आई, और जिस गाड़ी से जिस मैं एक्टिवा से निकली थी वो बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे विश्वास है कि ये मेरी हमेशा मदद करती है, ये मेरे साथ हमेशा है। आज वो तरीका बता रही जा रही हूँ जिसके थ्रू अगर आप इनसे प्रार्थना करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ला देंगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एंजल थेरेपी, एंजल हीलिंग से जुड़े हुए हैं। जब वो पूरा प्रोसीजर जान लेते हैं तब वो उसके बाद किस तरीके से इनकी मदद मांगे, किस तरीके से इनकी इससे सहायता करें। ये हमारे इष्ट भी हैं, ये हमारे घर के कुल देवता भी हैं, ये हमारे इष्ट देवी भी हैं, जो भी आप माने। आप इनको सोलमेट माने, आप इनको दिव्य शक्तियाँ माने, आप इनको दैव्य शक्तियाँ माने, आप किसी भी नाम से इन्हें पुकार सकते हैं। ये पॉजिटिव ही होती है हमारी मदद के लिए, मगर हमारा तरीका ऑफरिंग का इनके लिए क्या है, हम इन्हें कैसे बुलाते हैं और कैसे इनसे प्यार करते हैं, ये हम पर निर्धारित करता है। आज छोटा सा तरीके बताऊंगी जो आपको इनसे जोड़ेगा। ये मेरे लिए मेरी सब कुछ है, ये मानते हुए आज मैं इनको कर रही हूँ। आज जो तरीका बता रही हूँ, जो रिचुअल बता रही हूँ, आप सब कीजिए। जो लोग थेरेपी एंजल कोर्स से जुड़े हैं आप देखेंगे पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी। ये तो आप लोग मुझे कॉल करके कमेंट्स में बताते हैं मैम ये काम किया और हमें इसकी पॉजिटिविटी मिली। अगर आप मिलती है तो प्लीज आप लोग डालिए जिससे लोगों को पता चले और हम एक मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ इससे पॉजिटिविटी मिली। मैं 10 में से 2 का नहीं कह सकती, लेकिन अगर मैं एक व्यक्ति का भी ठीक कर सकूं प्रॉब्लम्स को, या उसको लगा आज ठीक हो गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये जीत होती है। आज मैं ये आपको बता रही हूँ, आप सब जो एंजल कोर्स से जुड़े हैं उनसे प्रार्थना कीजिए। प्रॉस्पेरिटी चाहे वो बच्चों की फील्ड में हो, चाहे आपकी आपस में बनती नहीं हो, 100% एंजल कोर्स करने का जब आप ये रिचुअल करेंगे आएगी। पर उसके लिए एंजल कोर्स जरूर कीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, प्रार्थना आप कर सकते हैं, पर जो रिचुअल्स हैं, जो चीजें जिसके माध्यम से करी हुई है, वो बहुत जरूरी है। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, ये आप ध्यान रखें। अच्छे गुरु से मिलिए, अच्छी चीज सीखिए, अगर पूरा प्रोसीजर जानिए और फिर कनेक्ट हुई है, तो जो पूर्ण ज्ञान लेके कनेक्ट होंगे ना, तो आपके में बैरिकेडर्स नहीं आएंगे। अधूरा अधूरा यहाँ वहां से आप ज्ञान ले लेते हैं टुकड़ों में, फिर आप कहते हैं आपको चीज नहीं मिली, तो ये क्लेम करना ठीक नहीं है कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त कीजिए और ये रिचुअल कीजिए, प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आएगी। तो चलते और देखते हैं कि किस प्रकार हम ये रिचुअल करते हैं। नाउ हम स्टार्ट करेंगे वो प्रोसेस जिससे हम हाई डायमेंशंस में जो एनर्जीज हैं उनसे ब्लेसिंग्स लेते हुए अपनी कामना, अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करें। देखिए, एंजल्स के लिए आपको एंजल से जुड़ना पड़ेगा। आपको इस तरह की एंजल्स जैसे आप देख रहे हैं, मैं सारे साइज आपको बताती हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। इस तरह के साइज की एंजल्स अगर आपके पास हो तो ये आप ले सकते हैं। बड़ी एंजल्स जैसे ये होती हैं, देखिए ये बिग एंजल्स हैं, ये भी ले सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगी एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए तो बिग एंजल्स पे कीजिए। ये कॉस्टिक इनकी ज्यादा होती है, पर जो वाइब्रेशंस ये आपको देती हैं वो आप सोच नहीं सकते। ऐसे एमेथिस्ट की है। तो जब आप एंजल कोर्स से जुड़ जाते हैं तब आपको अचानक से ये पता चल जाता है कि आपकी गार्जियन एंजल कौन सी है। रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, लैपिस, अलग अलग तरीके की एंजल्स आती है, आप उनसे जुड़े। एंजल से प्रार्थना के लिए या एंजल से के थ्रू विश चिट अपने विश को पूरा करने के लिए या उनसे प्रार्थना करना डेली बेसिस पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंजल्स, अगर आपके पास
मनी क्रिस्टल्स हैं, सिट्रीन है, पायरेट है, दैट्स वेरी वंडरफुल। आपके पास फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए स्टोन है, ये भी अच्छी बात है। आपके पास में नंबर स्टोन है, ये भी अच्छी बात है। कम से कम दो कैंडल्स हमें चाहिए, एक हो तो भी चलेगा। और जो भी, यदि आप मनी ऑयल से जुड़े हैं तो मनी ऑयल भी, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे अपने छोटे से अपने गणपति भी रखे हुए हैं जो मुझे एनर्जी देंगे, पर ये ऑप्शनल है। अगर है या जिस भी आपसे मानते हैं उनको आप रखिए। सबसे पहले चीज़ों से जुड़ने के लिए आपको चीज़ों को समझना होगा। एंजल्स बहुत हाई डायमेंशन में आपकी विश पूरी करने वाली शक्तियाँ हैं। अगर आपको ये मालूम पड़ गया है कि आपकी गार्जियन एंजल कौन सी है तो वंडरफुल है, आप उनको जान जाइए। आप पर्टिकुलर एंजल का नाम भी रख सकते हैं, जैसे जो आपको अच्छा लगता है, माइकल, ज़फ़ील, गाफ़ियल, जो भी आपको अच्छा लगता है उस एंजल का नाम रखिए। मिनिमम बिग एंजल है तो आपकी एक एंजल, दो या तीन, जैसा आप अच्छा लगता है आप टाइम भी रख सकते हैं। अगर जो लोग एंजल से जुड़े हैं, मैं प्रेफर हमेशा करती हूँ एक बड़ी एंजल रखिए, बिकॉज ये जो आपको एनर्जी देती है ना, मैंने खुद फील किया है, वो आप सोच नहीं सकते। मगर कौन से स्टोन में, कौन से क्रिस्टल में चाहिए, ये आपका अपनी चॉइस होनी चाहिए। वो एंजल आप ले लीजिए, जैसे आपको जो भी अच्छी लगती है, रोज क्वार्ट्ज़ की किसी को अच्छी लगती है, किसी को एमेथिस्ट की अच्छी लगती है, वो आप लीजिए। छोटी एंजल्स भी होती है, इनको भी आप एज अ सोर्स आप बैठा सकते हैं, क्यों, अपनी विश के लिए। छोटी छोटी एंजल्स को आप बैठाइए या खड़ा कीजिए, ये आपके ऊपर होता है। किसी भी तरीके से आप एंजल्स को रख सकते हैं। अगर कोई ज्यादा आपको सोर्स पूरी करनी है, ज्यादा आपकी इच्छाएं हैं, तो मैं उसके लिए प्रेफर करती हूँ अब मैक्सिमम स्मॉल एंजल्स यदि आप लेते हैं। देखिए मैं दिखा रही हूँ, अगर आप छोटी एंजल्स लेते हैं तो देखिए कम से कम 7 एंजल्स लीजिए, क्योंकि जो स्मॉल एंजल्स जैसे होती है, ये रेनबो एंजल हमारी हो गई, या आपकी हमारी जेट की एंजल हो गई, मून स्टोन हो गया, ये हमारा स्पेशल हमारा मून स्टोन है विद रेनबो के साथ, ओपल हो गया हमारा, क्लियर क्वार्ट्स हो गया, टाइगर आई हो गया हमारा, कोई भी एंजल आप ले सकते हैं, मून स्टोन हो गया, ये हमारा लेमन स्टोन हो गया। इस तरीके से आप 7 एंजल्स मिनिमम आपको लेनी है। आप मैक्सिमम छोटी एंजल्स कितनी भी ले सकते हो। ये सारी एंजल्स को आपको या तो ग्रुप के अंदर इस तरीके से आमने सामने करते हुए बैठाना है, क्योंकि आप इनसे क्या चाह रहे हैं, आप इनसे एनर्जीज चाह रहे हैं। आप चाहे तो इन एंजल्स को लिटा भी सकते हैं इस तरीके से। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको अपनी विश पूरी करनी है। अगर आप उनको लिटाना चाहते हैं लिटाएं, अगर आप इससे खड़ा करके रखना चाहते हैं तो आप खड़ा करके भी इनको रख सकते हैं। सारी एंजल्स आपकी आ जाएंगी, जो जो आपको पसंद है, पर ये स्मॉल एंजल्स मैक्सिमम आप रखिए, जितनी मैक्सिमम आप रख सकते हैं। मैंने 7 रखा है, आप मोर देन 7 भी रख सकते हैं। इस तरीके से आपकी एंजल्स आ जाएंगी, सारी एंजल्स आप प्रॉपर इनको आप ग्रोथ के हिसाब से आप रख लीजिए, जो आपकी डिमांड है, आप जो चाहते हैं इन एंजल्स से। ठीक है, इस तरीके से आ गई। देन व्हाट इज योर विश, जैसे ये विश आपकी कोई भी विश है। यदि आप रेखी सिंबल से जोड़े हैं, आप सारे रेखी सिंबल जैसे मनी के रेखी, करुणा रेखी, वो ज्वाइन कर लिख लीजिए और अपनी विश को लिखिए। विश को लिखने के बाद जस्ट फोल्ड, आपको अपनी विश फोल्ड कर लेनी है, और फोल्ड करने के बाद में आपको अपनी विश इनके बीच में रखनी है। अगर आपके पास मनी ऑयल है तो जरूर यूज कीजिए, बिकॉज जो मनी ऑयल वाइब्रेशंस आपको देता है आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल, इसकी अरोमा बहुत एनर्जीज को आपके लिए लग के लेकर आती है। तो जितना अच्छा मनी ऑयल लगा सकते हैं उतना लगाइए, और एक कैंडल आपको बीच में रखनी है। अगर ज़्यादा आप कैंडल रखते हैं तो इस तरीके से आप रखेंगे, एक कैंडल यहाँ, एक ऊपर, एक नीचे, या एक ऐसे साइड में। एक रखनी है तो आप एक रख सकते हैं। इस तरीके से आप सारी एंजल्स से रखेंगे और यहाँ पर अपनी विश लिखेंगे। छोटी एंजल्स हमेशा ज़्यादा लीजिए, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ। बड़ी एंजल है तो आपकी एक चलेगी, दो, तीन, या एंजल्स हमेशा कंबाइन ले लीजिए, जैसे 2, 4, 3, 6, 8, 12, इस तरीके से हमेशा एंजल लेने चाहिए। ये नहीं आपने एक ले लिया एंड इनफ हो गया,
दो कम से कम, अगर आप बड़े साइज की ले रहे हैं, ये साइज ले रहे हैं, तो कम से कम दो एंजल रखिए। जैसे देखिए, ये हमारी एंजल है, एक हमारी हमारी मूनस्टोन की एंजल है, तो कम से कम दो एंजल्स तो आपको रखनी है। एंजल्स ये नहीं आप एक ही रख लें और उससे ही आप सोचे, नहीं, मैक्सिमम दो एंजल्स आप रखिए और सबके अंदर मनी ऑयल, वाइब्रेशंस ऑयल को लगाइए, बिकॉज एंजल्स बहुत जल्दी वाइब्रेशंस को कैच करती हैं, आपकी वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी समझती है। लोग बहुत टाइम लेते हैं, बस कहते हैं विश पूरी नहीं होती। अगर और भी आपको ऐसे टंबल्स जो होते हैं, जैसे क्लियर क्वार्ट्स का, देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है क्लियर क्वार्ट्स की, इस तरह के क्लियर क्वार्ट्स के आपको टंबल मिलते हैं तो मार्वलस है। आप क्लियर क्वार्ट्स का टंबल लीजिए, उनको यहाँ रखिए, वो भी आपकी वाइब्रेशंस को पूरा करेंगे। रेनबो की एंजल्स, ये आपने देखी नहीं होगी, देखिए इसमें कलर सारे रेनबो जैसे कलर्स आते हैं, तो ये रखिए। आपको क्लियर क्वार्ट्स की एंजल रखनी है, छोटी एंजल्स है, स्मॉल साइज एंजल्स है, पर ये ग्रुप में रखिए। एंजल्स अपने आप को ग्रुप में रखना ज्यादा पसंद करती है, लोग ग्रुप में नहीं रखते, मैं प्रेफर करूंगी ग्रुप में रखिए। नंबर कॉइन्स फॉर मनी कॉइन्स है, ये इस जेड का कॉइन है, इसको रखिए आप जहां आप रख सकते हैं, जितना आप इसको, जितना डेकोरेटिव अपनी टेबल को, जहां आप एंजल्स को रख रहे हैं उस जगह, क्योंकि इनको डेकोरेशन बहुत पसंद है, ये डेकोरेशन अपनी खूबसूरती को ज्यादा पसंद करती है, ये चाहती है डेकोरेशन में रहे, हमेशा खूबसूरती में रहे। अब तो बात दोगे कैसे आपको लगानी है, हमने ऑयल लगाया मनी ऑयल से, या वाइब्रेशन ऑयल से फ्रिक्वेंसी दी, एंजल्स को बैठाया, एंजल से प्रार्थना करी कि एंजल्स हमारी प्रार्थना को सुनिए, हम जो आपसे विश कर रहे हैं उसको पूरा होने में हमारी मदद कीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जस्ट इन पे आपको ऐसे फिंगर घुमानी है और अपनी विश बोलनी है, एंजल्स प्लीज हेल्प मी, आपकी जो भी विश है, जैसे मैं अच्छा अपने मार्क्स चाहता हूँ, मैं एंजल कोर्स से भी जुड़ा हूँ, अगर एंजल कोर्स से आप जुड़े हैं और आपको कोई स्पेशल नंबर आपको यहाँ पे मिला है, या कोई ऐसा स्विच वर्ड जो आपको अट्रैक्ट करता है, तो जस्ट डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, देन प्रे टू ऑल योर एंजल्स, अपनी सारी एंजल्स से, एंजल कोर्स में आप जुड़े हैं, आप रिचुअल जानते हैं, आप उनसे कनेक्शन जानते हैं, आप उनके नाम जानते हैं अपनी एंजल्स के, प्लीज उन्हें प्रार्थना कीजिए। आप उस समय में प्रार्थना कीजिए जब आपने उस समय अट्यूनमेंट लिया था, जब आप एंजल शाइन कराई थी, वो समय आप याद कीजिए कि एंजल्स मैंने आपसे कनेक्शन मेरा आपके साथ हुआ था, प्लीज मेरी लाइफ में जो मेरे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें सॉर्ट आउट कीजिए, आप तो मेरी एंजल्स हैं, आपसे प्रार्थना जो हो कर, जो मैं करूँगा वो हमेशा मेरी पूरी होगी, प्लीज एंजल्स हेल्प मी अ लॉट, इस तरह से प्रार्थना अपने गार्जियन एंजल्स से, आपकी अपनी मेन एंजल्स से, आप कीजिए, बड़ी एंजल्स हैं तो उनसे प्रार्थना कीजिए, एंजल्स प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरी सारी इच्छा पूर्ति में मेरी मदद कीजिए, मेरी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है उन्हें हेल्प कीजिए, मैं अच्छी जॉब चाहता हूँ, मेरा बिजनेस को आपने जो ग्रोथ कराई है, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड कीजिए आप जो मुझे कह देते हैं, मेरी आप मुझे जो ब्लेसिंग्स देते हैं, हमेशा मेरी टेक केयर करते हैं, जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ हमेशा आप मेरी मदद करते हैं, मेरी मदद कीजिए, आज मैं ये रिचुअल आपके लिए कर रहा हूँ, मेरी छोटी सी विश है, मैं चाहता हूँ वो मेरी विश आप ज़रूर पूरी करेंगे, वो विश आप मेरे लिए लेकर आइए, अच्छी जॉब की विश, जो मैं अच्छी ग्रोथ चाह रहा हूँ, मैं एंजल कोर्स से मैं जुड़ा हूँ, मैं आपकी ऐसी दिव्य ऑरा, दिव्य शक्तियों से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है आप मेरी मदद ज़रूर करेंगी। अपनी सारी एंजल्स जिनको भी आप जानते हैं, पर्टिकुलर एंजल आपको लगता है कि आपको ज़्यादा है, कि आपको लगता है माइकल आप मेरी हमेशा मदद करते हैं, आप एक गोल्डन शाइन है, आप मेरे लिए सारे के सारे पॉजिटिव रास्ते खोले, कि एंजल्स प्लीज हेल्प मी अ लॉट, प्लीज आप मेरे रास्ते बनाइए, इस तरीके की जो भी आपके मन में प्रार्थना हो आप उनसे बोलिए। प्रार्थना जोर से बोली जा सकती है, धीरे, कैसे भी, एंजल्स सिर्फ ये नहीं है, आपके जो अपने इष्ट है वो भी आपके लिए एंजल बन जाते हैं, तो उनसे भी प्रार्थना कीजिए, और दो मिनट के लिए अपने अंदर आंख बंद करके शांति, ये रिचुअल आपको शांति में अकेले में करना है, सबको दिखाकर नहीं करना, ये रिचुअल आप पॉजिटिविटी के लिए करें, जितनी ज्यादा आप छोटी एंजल्स रखेंगे देन वोंट क्रिएट योर एनर्जीज, मैंने लिटा के रखी है, आप इनको ऐसे करके खड़ा करके भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है, सारी एंजल से आपको प्रार्थना करनी है, जो आप वाइब्रेशंस क्रिएट करना चाहते हैं, मैं लिटा इसलिए रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर सारी एंजल्स मेरी दिख सके, कैसी होती हैं, कैसी दिखती हैं, खड़े करेंगे तो सारी एंजल इस तरीके से आएंगी,
जितना भी अच्छा हो सके आप उतना कीजिए। लोगों के पास में अच्छे अच्छे सारे, अगर आप देखें तो मैं और भी चीजें आपको रखती हूँ, जैसे आपके पास अच्छी ज्वेलरी है, पर्ल की ज्वेलरी, इनको बहुत पसंद है अपनी ज्वेलरी, जो सुंदर आपकी ज्वेलरीज हैं उनको भी आप इनके साथ आप रख सकते हैं, जो आपकी अच्छी ज्वेलरी हो उनको भी आप रखिए इनके साथ में, बिकॉज इनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं ज्वेलरीज, गोल्ड ज्वेलरी, पर्ल ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, जो भी आपको ज्वेलरी अच्छी लगती है वो इनके साथ रखिए। आगे बस कोई और चीज़ें हैं तो वो भी रखिए। इनसे प्रार्थना आपको एक अच्छी पॉजिटिव ऑरा के लिए करनी है। विश चिट हम ज़रूर रखेंगे, क्योंकि विश को लेने के बाद ये हमारी बातें बहुत जल्दी सुनती हैं, तो विश आप ज़रूर रखिए। विश के संग पॉजिटिविटी आप रखेंगे तो बहुत जल्दी ये आपकी चीज़ सुनेगी। आप चाहें तो एक कांच की प्लेट भी लेकर इनको रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है, पर रिचुअल आपको फॉलो करना है। सिर्फ एक ही चीज़ का आपको यहाँ ध्यान देना है कि आप एंजल कोर्स से जुड़े हैं, क्योंकि एंजल शाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप ये रिचुअल करेंगे तो आप देखेंगे पॉजिटिविटी बहुत जल्दी आती है। जो लोग नहीं जुड़े हैं, ऐसा नहीं वो नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करने के बाद, मगर उनको बेसिक चीज़ें उसमें पता चल जाएंगी कि क्या एंजल्स होती हैं, क्या उनके नंबर्स होते हैं, कैसे एंजल्स के रिचुअल्स होते हैं, किस तरीके से एंजल शाइन की जाती है, क्या एंजल का पार्ट होता है, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। हम दिव्य शक्तियों से जुड़े हैं, दिव्य पावर्स, दिव्य एनर्जी से जुड़े हैं। हमने अपनी विश भी यहाँ लिख दी, हमने एंजल से प्रार्थना भी यहाँ शुरू कर दी, हमने सारे नंबर्स, कॉइन्स और जितना हम पॉजिटिविटी अपनी यहाँ दे सकते हैं। थोड़ी देर आँख बंद करके आपको शांति का यहाँ ध्यान करना है। अगर आपने अपने गुरु से या विशेष प्रकार से जो साधना सीखी है एंजल से कनेक्ट होने के लिए, तो वो रिचुअल भी अगर आपके पास एडिशनल है तो यहाँ पर आप फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद कैंडल हमने बीच में रख दी है, इस कैंडल को आपको सिंपली जलाना है। ये कैंडल तुरंत आपका जलेगी और जलते ही स्टार्ट पॉजिटिविटी, और बस आपको पॉजिटिविटी यहाँ पे क्रिएट करनी है। आपको साथ प्रार्थना करनी है, जिस प्रकार आप अपने प्रभु से, अपने भगवान से करते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ प्रार्थना करनी है। उन एंजल्स, उन देवदूतों से बोलना है कि मेरे को मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे हमेशा सत्य के रास्ते पे चलाएं, मेरा छोटा सा परिवार है उसकी रक्षा करें, मेरे बच्चे, मेरे पति या पत्नी, जिन जो भी हैं मेरे माता पिता, उनका ध्यान रखें, उन्हें हमेशा आशीर्वाद दें। मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे यही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए रास्ते बनाएं, मेरा अच्छा करें। मेरा छोटा सा कपड़ों का व्यापार है, या मेरा छोटा सा और किसी चीज़ का व्यापार है, मेरा ऑर्गेनिक व्यापार है, आप उसकी ग्रोथ को बढ़ाएं, पॉजिटिविटी रखें, जिससे मैं अच्छा पैसा अपने परिवार पे लाऊं, जिससे ब्लेसिंग्स मिले। मैं घर खरीदना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा प्यारा सा, जो भी आपकी डिमांड है वो घर चाहता हूँ। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे लिए छोटा सा मेरे लिए घर करें, मैं इतना पैसा इकट्ठा कर सकूँ। मैं कोई लोन लेना चाहता हूँ लेकिन वो लोन मिल नहीं पा रहा, तो प्लीज़ आप मुझे उस लोन को मिलने में मदद करें। अगर मैं लोन ले चुका हूँ और चुका नहीं पा रहा, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें उस लोन को चुकाने के लिए। मैं इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहता हूँ, मैंने इसी कारण से एंजल कोर्स किया है, आप दिव्य शक्तियों से जुड़ा है, आप मेरी ब्लेसिंग्स को, मेरी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे, प्लीज़ मेरे लिए ग्रोथ के रास्ते बनाएं। मैं इंडिया के बाहर जाके वेल सेटल होना चाहता हूँ, अपने परिवार को अच्छी ग्रोथ करना चाहता हूँ, अपने परिवार का अच्छा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। एंजल्स, दिव्य शक्तियाँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे वो सारी पॉजिटिविटी देने में मेरी हेल्प करें, सारी दिव्यता देने में हेल्प करें। प्लीज़ एंजल्स, आप मेरी मदद करें, मेरा मार्गदर्शन करें। मैं जानता हूँ आप मुझे सुनती हैं, आप मुझे प्यार करती हैं, आप सब मेरे लिए हमेशा उचित मार्गदर्शन ज़रूर करेंगी, मेरी सहायता करें, मेरा उचित मार्गदर्शन करें। इस प्रकार की प्रार्थना आपको करनी है, प्रार्थना पॉजिटिव ही होगी। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम मैं बार बार अपने वीडियोस में ये बात कहती हूँ, हम अपना सिर्फ अच्छा चाह रहे हैं, दूसरे का क्या होता है क्या नहीं होता वो उसके कर्मा है, हमें उसके कर्मा के साथ नहीं बंधना। हम अपने कर्मा की प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमने की थी तो आज हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से जब ये आपको निकाल रही हैं, तो ये बात आप याद ध्यान रखिएगा, ये रिचुअल सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए है। हमें सिर्फ अच्छा सोचना है, हमारा बेस्ट होगा, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना,
अगर आप दूसरे के अच्छे के लिए कामना करते हैं तो उसका नाम लेके यहाँ पर आप करेंगे कि उसके लिए कामना हो, क्योंकि एंजल्स पॉजिटिविटी के लिए ही काम करती है। आप नेगेटिविटी इनसे करना चाहेंगे, गलत करना चाहेंगे, आपका वो रिचुअल काम ही नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कर गया तो उसकी नेगेटिविटी ब्लॉकेज आपके फैमिली में 10 गुना आएगा और आगे आप जो करना चाहेंगे वो भी रुक जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये छोटा सा रिचुअल है, जो छोटा सा एंजल से कनेक्शन का रास्ता है, कैसे आप कनेक्ट होंगे, किस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे, कैसे अपनी इच्छाओं को वहां तक पहुंचाएंगे। एंजल्स में एक चीज बहुत मेजर है, कैंडल्स, विश और एंजल्स, बिना इसके ये नहीं होता। मैंने सारी साइजेस के एंजल्स रखी हैं, आप कोई भी रख सकते हैं, छोटी से छोटी रखी है, बड़ी से बड़ी रखी है, आप ये तीनों में चारों में से कोई भी साइज के एंजल्स रख सकते हैं, ये आपका चुनाव होता है। एंजल्स पॉजिटिविटी के लिए जानी जाती है, एंजल्स हाई डायमेंशन में जानी जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रार्थना कीजिए और अंत में ये कैंडल अपने आप बुझ जाएगी, जब ये शांत हो जाए कैंडल्स, तो उसके बाद में आपको, अगर आपका यही जगह है तो यहाँ आप रहने दीजिए और डेली ये कैंडल इसके ऊपर ही जलाएं जब तक आपकी ये विश पूरी ना हो जाए। जब ये विश पूरी हो जाए तो सबको ग्रेटिट्यूड करना है। अगर आपने प्रॉपर ऐसे स्पेस बना रखा है कि यहीं पर ही मेरी एंजल्स रहेंगी, तो उस तरीके से, अब मैंने रेड कलर का इस्तेमाल किया, आप येल्लो भी कर सकती हैं या लकड़ी की टेबल, जैसा भी हो, ये एडिशनल आपके ऊपर, आप कैसी टेबल लेना चाहते हैं, आप फॉर्म की लेना चाहते हैं, लकड़ी की, ये आपके ऊपर। सब करने के बाद में, पूरी होने के बाद में, ये आपको जल प्रवाह कर देनी, किसी पानी में, किसी बहते जल में, इसको आपको कर देनी। और सब एंड में एंजल्स को थैंक यू और ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। तो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, या थैंक यू एंजल, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर ब्लेसिंग्स एंड लव, ऐसे करके आपको एंजल से प्रार्थना करनी है। और इसी तरीके से, जिस तरीके से आज आपने मेरा साथ दिया, जीवन भर साथ दें। मैं रेखी ज्ञान से यामिनी शर्मा, आप सभी को मेरे एंजल्स कोर्स से जुड़ने के लिए और ये रिचुअल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच।